हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक ही नंबर से दो फोन में व्हाट्सएप कैसे यूज कर सकते हो। सो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो चलिए मैं फटाफट से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जो कि आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइड में इसे ओपन करके रखना है। तो यहाँ पर अब आपको टाइप करना है web.whatsapp.com। तो यहाँ पे जैसे आप इस तरीके से टाइप करोगे तो यहाँ पर जो है कि अभी हमारा जो है कि इस ब्राउज़र में जो है कि अभी हमारा एक QR कोड आ जाएगा जो कि हमें स्कैन करना पड़ता है। तो अभी आप देखना यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कि QR कोड जो है लोड हो चुका है। उसके बाद अब हमें सेकेंड वाले फ़ोन में क्या करना है आप समझ लीजिए सही से। अभी मैं आपको सीधा व्हाट्सएप पर चल के ही समझा देता हूँ। तो अभी जैसे मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, तो आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वेब स्कैन के ऊपर क्लिक करना है, व्हाट्सएप वेब पे, सॉरी व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके ऊपर क्लिक करने के बाद अब जिस तरीके से ये स्कैन हो रहा है तो इसी तरीके से जो है कि आपको दूसरे फ़ोन में अपने करना है। और उसके बाद उसका जो QR कोड, उसका जो जैसे अभी मैंने स्कैन करने पर लाया था, और वैसे जैसे वहाँ पर आओगे जैसे स्कैन कर, तो यहाँ पर जितनी भी चैट हिस्ट्री रहेगी, जो भी हम जिसने भी किससे भी अगर चैट किया, वो सारे नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो क्या चैट किया वो सब यहाँ पर लिख के आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है कि एक ही नंबर से दो फ़ोन में व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। सो आज के इससे